हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो पहली बार मेरे चैनल पर आया, प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। मैं वीडियोस बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड स्पेसिफिकली, और कोई भी अगर ट्रैवल करना चाह रहा है, कोई भी जॉब करना चाह रहा है यूरोप में, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आता है किसी भी कंट्रीज में, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो ये जो वीडियो है, ये एक एक्चुअली इंटरव्यू है। एक चहल व्लॉग्स करके एक चैनल है यूट्यूब पर, उस भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले और सारे क्वेश्चंस पूछे उसने मेरे से। पूरा प्रोसेस पूछा, जो मेरी वाइफ अभी जो आई है, तो किन किन से अप्रूवल्स दी, पूरा पूरा एंटायर प्रोसेस उसने मैंने बता रखा है उसको, और वो आप देख सकते हैं। कर देते हैं हम अपनी। कहाँ गए? अच्छा, आ गए। आ गया। तो अंशुल भाई, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें मौका दिया वीडियो बनाने के लिए, और आज आपसे आपका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसे आपने किया और कैसे आप माल्टा पहुंचे। तो सबसे पहले अंशुल भाई, आप अपना छोटा सा इंटरव्यू दे दो ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन हो। सबसे पहले यार, थैंक यू सो मच यार फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और मेरा नाम अंशुल है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं माल्टा आया था 2018 में, मेरी जॉब वहीं से लगी थी, इंडिया से ही। उस टाइम मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, मुझे अराउंड लाइक 3 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इट टुक लाइक अराउंड 6 मंथ्स उस टाइम 2018 में। मैं अप्लाई कर रहा था वेबसाइट, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, तो एम्प्लॉय ने मुझे हायर करा, सी मतलब सेंड करा ईमेल वगैरह, और दे आस्क मी लाइक आर यू इंटरेस्टेड इन माल्टा। मैंने चेक करा कि वेदर माल्टा इज द पार्ट ऑफ ईयू और नॉट। मुझे लगा अच्छी यार, ना एक बार यूरोप में एंट्री हो जाएगी तो विल सी लेटर। तो मैं पूरा प्रोसेस में 6 मंथ लग गए, जब से मुझे ऑफर लेटर मिला, और जब वो आइडेंटिटी माल्टा का जो प्रिंसिपल अप्रूवल था वो 6 महीने लग गए। बट हालांकि अब तो काफ़ी एफिशिएंट हो गया डिपार्टमेंट, नाउ इट्स टेकिंग लाइक 10 डेज ओनली। 10 दिन में अप्रूवल आ जाता है। मेरे दोस्त थे, उनका 10 दिन में आ गया उनकी वाइफ। तो आपका 6 मंथ का टाइम लगा था इसमें सिर्फ वर्क परमिट आने में? हाँ, उस टाइम जो प्रिंसिपल अप्रूवल थे 6 महीने लग गए थे उस टाइम, 2018 की बात बता रहा हूँ। ये तो फिर आपका लॉकडाउन वाला काम हो गया आपके साथ भी। पूरा मतलब सही कह रहे हैं यार, अब तो सिर्फ 10 दिन में। अंशुल भाई, आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ को वीजा मिला है, किस टाइप का वीजा मिला आपकी वाइफ को? तो फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा है, स्पाउस वीजा जिसे कह सकते हो इन अदर वर्ड्स। तो अब वो, हालांकि मेरी वाइफ क्वारंटाइन फ्री हो गई है, अपना घर पे आ गई है, तो उस बेसिस पे, मेरे बेसिस पे ही आई थी वो, और उसमें तकरीबन 9 मंथ्स लग गए थे। उसमें भी स्टार्ट हुआ था मेरा प्रोसेस अक्टूबर 2020 में, यहाँ पर आइडेंटिटी माल्टा में मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे सारे अपने। पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था बहुत ज़्यादा, बट फाइनली दे स्टार्टेड यू नो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस। तो उसमें 9 महीने लग गए अक्टूबर 2020 से जुलाई, फाइनली जुलाई, जो जुलाई है पिछले महीने वहाँ तक जाकर उन्होंने एक्सेप्ट करा और लेटर आया बाय पोस्ट, उसके बेसिस पर मैंने जो है फिर वीजा अप्लाई करा। तो मतलब आपने 9 मंथ वेट किया स्पाउस वीजा के लिए? हाँ जी, 9 मंथ मैंने वेट करा, हालांकि वो भी प्रोसेस चेंज हो गया। स्पाउस का इतना टाइम तो नहीं लगता, ये इतना टाइम कैसे लगा मतलब 9 मंथ में? क्योंकि पहले जो लॉ था वो 9 मंथ का ही था, अब जो लॉ 1 मई 2021 से चेंज हो गया, ये 9 मंथ को घटाकर उन्होंने, दे रिड्यूस द टाइम फ्रॉम 9 मंथ टू 2 मंथ। तो विद इन 60 डेज नाउ दे हैव टू गिव द लाइक डिसीजन, दे हैव टू गिव द डिसीजन। और इवन चेंज भी हो गई सैलरी, पहले 19,000 सैलरी थी, आपकी 19,000 सैलरी होनी चाहिए तभी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, अपनी वाइफ को। अब वो 19,000 से वो रिड्यूस हो गई है 15,354, 15,354। ओके, मतलब 15,354 आपकी पर ईयर सैलरी होनी चाहिए तब आप अपने फैमिली को स्पाउस के बेस पर बुला सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर मतलब इतनी सैलरी ना हो, इससे कम हो, फिर? ये भी बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अगर इससे कम हो, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं करते, आप सबमिट नहीं कर सकते एप्लीकेशन, स्टिल यू आर, आई मीन यू कैन अप्लाई द एप्लीकेशन, आप सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन अगर आपकी इससे कम सैलरी है। और क्योंकि उन्होंने टाइम पीरियड भी कम कर दिया, पहले टाइम पीरियड था 2 साल, अगर आपको 2 साल रहना चाहिए यहाँ पर और 19,000 सैलरी होनी चाहिए, अब वो 2 साल से घटाकर उन्होंने 1 साल कर दिया है। और स्टिल आई मीन ये थोड़ा लिबरल हो रहा है, इवन दे चाहते हैं मतलब होगी कि आपकी फैमिली आए, अगर आपकी इससे भी कम सैलरी है तो आप स्टिल यू कैन अप्लाई, बट उनके डिस्क्रिप्शन पर है वो अप्रूव करते या नहीं करते, उनके डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि आप वो अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा भाई, जो भी आप बता रहे थे कि सीवी और एसपीएस के अप्रूवल, वो आपने कैसे लिए अपनी वाइफ के लिए? उसका प्रोसेस क्या था, पहले तो फैमिली रियूनिफिकेशन सर्टिफिकेट आना था, ठीक है, नॉन ईयू सेक्शन है यहाँ पर माल्टा में, आइडेंटिटी माल्टा में, उसमें 9 मंथ्स लगे। उसके बाद क्या था स्टेप, उसके बाद स्टेप था सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ से अप्रूवल लेना। पहले मैंने उनसे मांगा, सीवी ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते अप्रूवल क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो उसके बाद फिर मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ पे गया, ईमेल करी मैंने, सब कुछ सेंड करे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे,
एक डिक्लेरेशन ऑफ रिलेशनशिप, वो आप स्टैम्प पेपर बनवा सकते हैं 10 या 50 रुपए के, आप जाइए किसी भी कचहरी में। उसके बेसिस पर मैंने अपने फैमिली रियूनिफिकेशन सर्टिफिकेट प्लस वो डिक्लेरेशन ऑफ रिलेशनशिप वो सेंड किया मैंने, तो उसमें लगभग तकरीबन मुझे लग रहे 10 दिन लगे अप्रूवल आने में। और फिर 10 दिन बाद वो एक कोड आता है, एक ईमेल आती है, उस कोड में जो है अप्रूव कर दिया उन्होंने मुझे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था सीवी अप्रूवल, फिर मैंने सेंड करी सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस जो ईमेल थी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ की, तब जाकर उन्होंने मुझे सीवी ने अप्रूवल कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम किस किस VFS में आपकी वाइफ यू विल प्रीफर, तो हमने बता दिया इस VFS में जाना चाहेंगे। तब जाके फिर उन्होंने इंटीमेट कर दिया माल्टा, जो हाई कमीशनर इंडिया में, माल्टा हाई कमीशनर ने फिर इंटीमेट कर दिया VFS इंडिया को और VFS दिल्ली। ठीक है ठीक है। या भाई यार लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन है कि सीवी और SPH की अप्रूवल के बेस पर अभी सबमिशन नहीं हो रही है, तो आप लोगों को क्लैरिफाई करोगे इस चीज के लिए कि आपकी वाइफ ने कैसे ली थी यहाँ सबमिशन के लिए डेट, और कैसे उन्होंने वीजा मिला उनको? जैसे मैंने अभी मेंशन करा पहले आपको, जैसे इवन मैं एक फ्रेंड का भी शेयर करूंगा, क्योंकि जो एक्सेप्शनल केसेस, लाइक जो मेरी वाइफ है वो मेरी मतलब फैमिली रिफिकेशन है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस है, उसमें आपको देना ही पड़ेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ को। तो 1 सितंबर से चेंज कर दिया रूल, पहले तो आपको नॉन वेटिंग करके वो थी ईमेल एड्रेस, अब आपको उस पर नहीं जाना, ट्रेवल टू माल्टा आप सर्च करोगे गूगल पर, उस पर जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारे। उस डॉक्यूमेंट्स ठीक अपलोड करने, उसमें फैमिली रियूनिफिकेशन आपको रीजन देना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हो और वापस आना चाह रहे हो माल्टा में, या आपकी फैमिली आपकी आना चाह रही है, तो बहुत सारे आप ड्रॉप डाउन में बहुत सारे रीजन है, तो आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर जो है आपको अप्रूवल आ जाएगी। और उसके बाद फिर भाई, सीवी, क्वारंटाइन का क्या क्या कुछ सीन है क्वारंटाइन का? जैसे बोल रहे थे कि अभी दुबई में बंद कर दिया इन्होंने। क्वारंटीन का ये सीन है, अगर आप डार्क रेड कंट्री से आ रहे हो, जो एज पर करंट सिनेरियो, एज पर माई नॉलेज, और आप डार्क रेड कंट्री से आ रहे हो, चाहे आपके पास वैक्सीन लगी हुई है माल्टा में लगी हो चाहे, बट आपको क्वारंटीन होना जरूरी है, मैंडेटरी है, और क्वारंटीन होना आप होटल में। इस बात पे मैं रोकना चाहूंगा भाई, लोगों को ये चल रहा है कि मन में कि कोविशील्ड अप्रूवल हो जाएगी तो हमें क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई सीन है? मुझे देखो यार उम्मीद है अभी एज पर करंट सिनेरियो कि अभी उन्होंने अप्रूव नहीं करा एज ऑफ नाउ, बट मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में, कुछ महीने 2 महीने में मुझे मुझे उम्मीद है ये अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बड़ी बड़ी जो लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इवन कुछ कंट्रीज उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कोविशील्ड को, और स्विट्जरलैंड ने भी एक्सेप्ट कर रखा है, आयरलैंड भी कंट्री उन्होंने भी एक्सेप्ट कर रखा है, स्लोवेकिया शायद एज पर माई नॉलेज, कुछ काफी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया, 15 या 18 कंट्रीज ने मुझे। 15 से ज्यादा कंट्री ने एक्सेप्ट किए हैं। हाँ तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में 1-2 महीने में, 3 महीने, लगता है कि कोविशील्ड अप्रूवल होने के बाद क्वारंटाइन वाला रूल खत्म कर देंगे ये लोग? हाँ जैसे अगर अपनी कोविडशील्ड एक्सेप्ट हो जाती है एस्ट्राजेनिका जो है, तो मेरे हिसाब से क्वारंटीन जो है खत्म हो जाना चाहिए उसके बाद फिर, क्योंकि जितनी भी इन्होंने एक्सेप्ट करे हैं लाइक टर्किश वैक्सीन सर्टिफिकेट, तो क्वारंटीन उनको जरूरत नहीं है, इवन सर्बियन का भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, मतलब फायदा है अगर कोविशील्ड अप्रूवल हो तो। बिल्कुल। इवन मैंने मेरी ईमेल पे बात हुई थी इंडियन एम्बेसी जो है यहाँ पर माल्टा में, ईमेल करा था मैंने उनको, और वो दे आर स्टिल इन द प्रोसेस, दे आर मतलब बात कर रहे हैं उनसे कि हमारी वैक्सीन रिकग्नाइज करो। ओके, तो आपकी वाइफ ने कैसे, मतलब कितना आपका खर्चा आया वहां पर, क्या कुछ प्रोसेस हुआ क्वारंटाइन का आपका? मेरी वाइफ माल्टा एयरपोर्ट उतरी, तो माल्टा एयरपोर्ट उतरने के बाद उन्होंने कहा कि आपको क्वारंटीन होना ही है, हालांकि मेरे पास अपना घर फ्लैट है यहाँ पर, बट उन्होंने कहा नहीं आपको क्वारंटीन होना ही पड़ेगा वहां से, फिर वो ले गए एयरपोर्ट से, होटल है इनके डेजिग्नेटेड होटल है, गवर्नमेंट ने बना रखे है, उसी होटल में फिर जो है 14 डेज उन्होंने क्वारंटीन करा, और 100 यूरो पर नाइट का जो है खर्चा है वो, उसमें इंक्लूड करता है एक टाइम का ब्रेकफास्ट और टॉयल फ्रीज एंड ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ये सारी चीजें इंक्लूड करता है, डिनर नहीं है। टोटल कितना खर्चा आया होगा आपके क्वारंटाइन में? 1400 यूरो आया था। 1400 यूरो तो आपके जो होटल है उनमें सिर्फ ब्रेकफास्ट है, उसके बाद जो लंच और डिनर वो भी था ना उसमें? हाँ उसमें क्या था कि अपना जो लंच जो ब्रेकफास्ट मिलता था, ब्रेकफास्ट में जो है काफी थोड़ा हैवी दे देते थे, हालांकि फर्स्ट वीक तक उन्होंने ब्रेकफास्ट वही यूरोपियन वाला दिया और नॉन वेज दिया, जो कि मेरी वाइफ जो है वेजिटेरियन है, तो मेरी वाइफ ने मतलब ईमेल भी करी, सेंड करा इधर उधर, तब जाके फिर उन्होंने फिर अपना जो इंडियन जो देसी खाना है फिर वो स्टार्ट करा, बाकी दोपहर का, और दोपहर को वही कंटिन्यू करती थी, मतलब जो खाना जो एक्स्ट्रा आता था सुबह का, रात को मैं अपना खाना ले जाता था, मैं ऑफिस से आता था बनाता था मैं खाना, फिर मैं अपना ले जाता था, मैं वाइफ के लिए अपने लिए बनाता था और अपनी वाइफ। भाई सेवा पे लगे हुए थे मतलब 14 दिन पर। अरे भाई कोई ऑप्शन नहीं। भाई चलो, 14 दिन आपने बनाया, अब क्या पता कितने साल भाभी जी बनाएंगे आपके लिए। सही बात है, सही बात है।
अच्छा भाई, आपको क्या लगता है माल्टा की सिचुएशन क्या है? जैसे हम न्यूज में देखते हैं कि माल्टा में केस बढ़ चुके हैं और काफी पैनिक भी कर रहे हैं लोग इस चीज को लेकर कि उनके केस बढ़ गए तो हमें ज्यादा दिक्कत होगी जो रेड जोन वाले हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि है वहां इतने केस वगैरह या नहीं? यार एज पर माई ओपिनियन अभी इस समय जो सिचुएशन है वो कंट्रोल अंडर कंट्रोल है। हालांकि केसेस आ रहे हैं बिटवीन 30 to 50, 30 से 50 के रेंज में आ रहे हैं। बीच में बढ़ गए थे पहले, ये लगभग 100 केसेस आ रहे थे, 90, 100, अबव 100 भी, क्योंकि 90% जो है यहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड हो गया है। इवन वन डोज नहीं, पूरी फुली वैक्सीनेटेड हो गया 90% अबव। और जो केसेस आ रहे हैं इस माल्टा में, वो जो 10% रिमेनिंग रह गया है अनवैक्सीनेटेड, वो उनमें से केसेस आ रहे हैं एक्चुअल में। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब ज्यादा ज्यादा केसेस बढ़ने नहीं चाहिए, कंट्रोल है सिचुएशन कोविड की, और सब सही चल रहा है अभी यहाँ पर। तो अच्छा भाई, आपने जो चैनल बनाया वो किसके बेस पर है आपका? मेनली आपका टॉप मेन टॉपिक क्या है इस चैनल पर? मेरा यार टू बी ऑनेस्ट, मेरा मेन जो टॉपिक है वो माल्टा से रिलेटेड ही है। कुछ भी चेंजेस आता है ट्रेवल टू माल्टा में, मतलब कोई से भी कंट्री से आ रहे हो आप, या कुछ भी नोटिफिकेशन आता है चेंजेस, लाइक सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ का चेंजेस आ रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, तो माल्टा से रिलेटेड है कि माल्टा की वर्क लाइफ कैसे बैलेंस है, मतलब वर्क लाइफ वर्क कैसे यहाँ पर है, कैसे जॉब पा सकते हो, या कौन कौन सी जॉब ज्यादा है यहाँ पर, उसी बेसिस पर मैं बना रहा हूँ। हालांकि कुछ वीडियोज है जो पुरानी डाल रखी है मैंने, बट मेरी अब कोशिश है कि माल्टा से रिलेटेड ही वीडियोज डालू। राधे कृष्णा मेनली नाम है। आपकी डेस्टिनेशन माल्टा ही है। हाँ जी, हाँ ओके, एक बार चैनल का नाम और बता दो भाई आप सभी लोगों को। चैनल का नाम है यार राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। तो गाइज, आप लोगों ने सुन लिया कि राधा कृष्णा नाम से चैनल है। अंशुल भाई वीडियो बनाते हैं उस पर, आप जाकर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है और इंफॉर्मेटिव है। आप लोग जो माल्टा जाना चाहते हो, आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आप जाकर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा भाई, एक बात और पूछनी थी मुझे आपसे। जो मुझे मतलब न्यूज़ में मिलती है कि माल्टा में जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है कि सच में ऐसा है या फिर वैसे ही न्यूज़ में ये? ब्रदर मेरे हिसाब से जो है एक्चुअल में कमी है यहाँ पर, मतलब जो स्किल्ड लेबर, मतलब स्किल्ड करो इवन अनस्किल्ड लेबर जो है, सेमी स्किल्ड लेबर जो है, काफी रिक्वायरमेंट है इस टाइम एट एज पर करंट सिचुएशन। क्योंकि एक तो समर टाइम चल रहा है यहाँ पर, समर में जो है जॉब रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है, जॉब वैकेंसीज बहुत होती है, और काफी बंदे जो है यहाँ से इमिग्रेट करके चले गए हैं, है ना। तो जॉब की रिक्वायरमेंट काफी है, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, तो काफी बंदे जो है उस टाइम 2020 में काफी लोगों की जॉब गई थी, खासकर स्पेसिफिकली जो एशियन कंट्रीज के जो है बंदे, तो इनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। खासकर जो हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री अपनी, इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बार टेंडर तो हो इस गया आप क्या सुजेस्ट करोगे, अभी अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार, मेरे हिसाब से आप देखो ट्राई करते रहो आप, ऐसा नहीं है कि बंदों की जॉब लगी है एक्चुअल में, इस कोविड के दौरान भी लगी है। बंदे के पर्सन क्या सोचता है कि यार अब तो कोविड चल रहा है, नहीं हो पाएगा, वो करते नहीं कोशिश। अब मैं खुद देखो, मेरी मैं भी नॉन, हालांकि डिफिकल्टी होती है नॉन ईयू को यू कंट्री आने में, क्योंकि वर्क परमिट होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होते हैं, और कोई एम्प्लॉयर एकदम से इतनी जल्दी रेडी नहीं होता। बट आपको यू नेवर नो अबाउट लक, आप कोशिश करो टिल द टाइम यू विल सक्सेस। तो मैं तो ये कहूंगा कोविड चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, हालांकि हालांकि टाइम में बहुत अच्छे होगा प्रोसेस, सब चीजें अच्छी होगी, पॉजिटिव सोचो और अपना मेरे हिसाब से ट्राई करते रहो, और डायरेक्ट कंपनी में ट्राई करो, वेबसाइट में जाकर। एजेंटों के चक्कर में ना पड़कर खुद अप्लाई करना ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टोटली एग्री ब्रदर, टोटली एग्री। एजेंट वेजेंट तो भैया कुछ तो ज्यादातर तो फ्रॉडी होते हैं, और दूसरा अपना आप खुद ट्राई करो, आपको सब प्रोसेस धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, करियर सेक्शन पे जाओ, अपना सीवी अपलोड करो, जो सीवी बनाओ एज पर अपना यू जो फॉर्मेट है यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, और अपना बढ़िया तरीके से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू अंशुल भाई, आपने आज इतना टाइम दिया हमें कीमती समय से निकाल कर, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी वेट कर रहा था कि भाई हमारे साथ वीडियो बनाएंगे तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें भी मिलेगी। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल, बहुत मेरा बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में आने के लिए। बाकी थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू फॉर इन। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंशुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी के सभी, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो भी लोग माल्टा जाना चाहते हैं इस टाइम, उन सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेशन भाई ने दी है अपने चैनल पर। तो आप सभी जाकर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अंशुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाकी ब्रदर, दुआ थैंक। करते हैं कि हम भी माल्टा आए, जल्दी आपसे मिलेंगे माल्टा आकर फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम यार, मोस्ट वेलकम। जब भी आओगे आप, मैं आई विल बी देयर एट एयरपोर्ट टू रिसीव यू। ओके ओके ब्रदर, चलो फिर तो चलो। ओके। अबे हो जा भाई, 1 मिनट रुको, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टॉप हो गई? अब मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप ही नहीं हो रही, या तो मेरे ख्याल से जब कटेगा तब स्टॉप होगी, मुझे ऐसा लगता है।